ऊपर किया तो आधा मिलेगा, दोनों हाथ ऊपर किए तो 100%। बैठ जाइए। कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? आज हम सुनेंगे फिट रहना और हेल्दी रहना, इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क क्या है? क्योंकि सबको फिट रहना है, लेकिन सबको हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, ये आज हम देखेंगे। महिला यानी एक मन हिला देने वाला प्रकृति का एक महान करिश्मा। 2024 के जागतिक महिला दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तालियां हो सकती है खुद के लिए। आज का उत्सव इस शक्ति स्वरूपा का है जो हमेशा परिवार और समाज के समृद्धि के लिए समर्पित रहती है, महिलाओं के लिए है। कितनी महिलाओं के पास इलेक्शन कार्ड है, खड़ी हो जाए। कितनी महिलाएं इलेक्शन कार्ड है, खड़ी हो जाओ। 2 मिनट्स। आपको पता है ये वोटिंग का राइट मिलने के लिए, अधिकार मिलने के लिए कितनी सारी महिलाओं ने संघर्ष किया है, तब आपको वोटिंग का इलेक्शन कार्ड मिला और वोटिंग का राइट मिला। तो वुमेन्स डे व्हाई इट्स पावरफुल, क्योंकि आज हमें वो अधिकार जो पहले से मिलना चाहिए था वो मिला है। इसका हम क्या करेंगे, सम्मान और उत्सव करना बहुत जरूरी है, है ना जरूरी? तो खुद के लिए तालियां होनी चाहिए। और जिस महिलाओं ने ये संघर्ष किया था इस अधिकार के लिए, तो उनको याद रख के इनके लिए भी तालियां होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। के घर तक सेहत समृद्धि सबके घर तक पहुंचा हुआ गुरु है। मैं चाहती हूँ स्टैंडिंग ओवेशन में डॉक्टर लिंग सियोर जी के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए, जो दुनिया से मलेशिया तक जानी चाहिए, वो सेहत वो सेहत वो समृद्धि हम तक पहुंचाई है। वो सुगंध फूल वो सफेद फूल वो गुरु जो आज हमको खड़ा करने के लिए यहाँ पे लोगों के तरफ से के रूप में मिला था। और मेरा सबसे बड़ा डाउनलाइन है
प्रोफेसर और डॉक्टर। ये 2003 में कौन जवान दिखता है? बढ़िया। तो ये हमारा एंगेजमेंट था, मंगेशकर मंगनी हमारा मंगनी था उस टाइम पे। इस टाइम तक हमने तो ट्रिपल डायमंड प्रोफेसर और डॉक्टर हमें तो बना दिया था, लेकिन उस टाइम से लेके 2 महीना पहले तक हम ट्रिपल डायमंड ही थे। 2 महीना पहले ही हम एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड बने, क्योंकि नहीं तारे नहीं, सबसे स्लोवेस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड अगर कोई बना है तो हम बने, ठीक है, वो भी ट्रिपल डायमंड से एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड। लगभग 20 साल लगा, क्योंकि हमने नहीं किया था, घर में बिजनेस था, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोडक्ट भी था लेकिन बिजनेस भी नहीं करता था, प्रोडक्ट भी नहीं लेता था। अगर आप देखेंगे तो मैं सिर्फ 3-in-1 कॉफी लेता था डीएक्सएम का, और कुछ नहीं छूता था, और मेरे घर में हर कमरा में, हर घर में तो प्रोडक्ट तो रहता है, गैनोडर्मा रहता है, स्पिरुलिना रहता है, वीसीओ रहता है, इधर कॉर्डिसेप्स ऑफ लाइंस में आने के 10 साल पहले से हमारा घर में था, 2010 से लगभग, कभी नहीं लेता था, और आपको दिखाई देगा नहीं ले रहा। ये 2005 में हमारा शादी में कौन जवान दिखता है? नहीं, आपको क्या बोलना है अगर मैं जवान दिखूं? शादी हुआ था, हमने हमारा खुद का कंपनी भी शुरू किया था stazela.com नाम से, वो इधर है, वो पहला इंडिया में सबसे पहला स्टार्टअप होमस्टे के लिए था 2005 में। आज सबको पता है कि स्टार्टअप का महत्व क्या है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत सारा रहता है, लेकिन 2005 में ऐसा नहीं था, उस स्थिति में हमने शुरू किया था। शुरू करके उस कंपनी को 10 साल में 1000 एम्प्लॉई लेवल तक लेके गया था। स्टेजला डाल के आप उसका सारा पुराना हिस्ट्री ले सकते हैं, और हमारे एम्प्लॉयज भी अच्छे खासे थे, मतलब IIT से फ्रेशर्स, IIM, ISB उस तरह का। और उस टाइम पे ना मुझे डीएक्सएम से तो इनकम आ रहा था, मैं कुछ काम नहीं कर रहा था, माता पिता का आशीर्वाद जो था, हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया और उन्होंने डाउनलाइन मेरा हो गया और मुझे ट्रिपल डायमंड बना दिया, तो पैसा आ रहा था, लेकिन वो पैसा बिना काम का जो आता है पैसिव इनकम, उसका मेरा मन, मेरे अंक में महत्व कुछ नहीं था, क्योंकि उससे 10 से 20 गुना ज्यादा मैं बाहर कमाई कर रहा था। तो ये तो हमारे लिए सिर्फ पॉकेट मनी जैसा था, कुछ खर्च करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, इंटरनेशनली बच्चों को लेके जाने के लिए, उसे ज्यादा कुछ नहीं महत्व था। लेकिन वही कंपनी जाते जाते ये 2011 में जवान कौन दिखता है? 2013 जवान कौन दिखता है? अभी भी मैं आज ही शुरू नहीं किया हूं, सिर्फ 3-in-1 कॉफी। ये 2016 में रूपल जी था, वो एक या दो पैर आज ही तो ले रही थी हर दिन, इसलिए इनका स्थिति मेरे जैसा इतना क्या बोलते हैं बुरा नहीं हुआ था। ये 2019 कौन जवान दिखता है? तो मेरा जो कंपनी है 2015 में बहुत बड़ा हुआ था, 2016 में बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहा था, अचानक 2017 में कुछ डिस्प्यूट में फंस गया था, इसके कारण हमारा ऑपरेशंस बंद करना पड़ा, कोर्ट से ऑर्डर भी आया था, बहुत सारा डिस्प्यूट भी चालू हुआ था, और 2017 से 2023 तक कोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा था, मतलब बहुत सारा केसेस, सब केस में हम निर्दोष साबित हो गए,
हम खुद ही जाके कोर्ट में हमारा केस प्रेजेंट करके, लॉ को पढ़ के हमारा केस प्रेजेंट करके हम जहां पे हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके गए हैं। लेकिन उस टाइम में ना, मैं लॉयर नहीं हूं, अगर मैं लॉयर होता तो भी खुद का केस कोर्ट में लेके जाने का कोई पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है, तो कोई कमाई नहीं था। और उस टाइम में भी डीएक्शन से मेरा इनकम आ रहा था, और उस टाइम में भी मैं डीएक्शन का काम कुछ नहीं कर रहा था। ये जो पैसिव इनकम आ रहा था माता और पिता का कृपा से, उस टाइम में मुझे उसका महत्व एहसास हुआ कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फर्क क्या है। अब जितना भी कमा लो भैया या बहन जी, या आपका जिम्मा, आप जितना भी कमा लीजिए, आप डॉक्टर है, आर्टिस्ट है, आर्किटेक्ट है, आपका काम आपको बहुत पसंद है, बढ़िया आपको बिलिंग भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन 6 महीना अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इधर आप 3 साल 5 साल काम करके आपका नेटवर्क खड़ा करके उसके बाद आप 6 महीना काम भी नहीं करेंगे ना, पैसा आएगा। उसका पावर जो है, वो कुछ और है। अभी इस महीने का कमाई के लिए आप काम कर रहे हैं और आपको पता चलेगा इस महीने के अंदर कि आपको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सही है कि नहीं? डीएसएम का प्लान है, मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, सब कुछ है। आप इस तरह का मैंने नेटवर्क किया, इस तरह का वॉल्यूम किया और आपका बोनस नहीं आया, तो आपको पता चलता है कि ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब तक किसी को भी ऐसा नहीं हुआ है, कि नहीं? आप प्लान के मुताबिक आपने काम किया, आपका सेल्स हो गया और आपको बोनस नहीं आया, ये तो नहीं होता है। लेकिन 20 साल बाद के लिए भी आप आज काम कर रहे हैं, है कि नहीं? 20 साल बाद के कमाई के लिए आप आज काम कर रहे हैं। आपको कैसे पता है 20 साल बाद आपको मिलेगा? कैसे पता है? क्योंकि मार्केट में तो सारा कंपनी यही बोलता है, मार्केट में तो सारा स्कीम चलाने वाला, स्कैम चलाने वाला वही बोलता है, तो आपको कैसे पता इधर आएगा? मैं 3 कारण बोलता हूं कि ये सिर्फ 20 साल नहीं, 200 साल के बाद भी आपका जो भी नेटवर्क कार्ड किए हैं, आपका पैसिव इनकम एक कंपनी देगा। पहला कारण, जब मैं ऐसा था मेरा मनोस्थिति भी ठीक नहीं था, मैं तो नेगेटिव पर्सन था। आपको पता है कि कभी कभी आपका लाइफ में ऐसा चीज हो जाता है कि आपका मेंटल आउटलुक बदल जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं आप, और मैं उस तरह का नेगेटिव लोग नहीं था कि मैं अंदर छुपके बैठ के नेगेटिव हूं। आप बहुत सारा लोग इधर लीडर्स हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपको पता है जब आप प्लान या प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं किसी से कि नेगेटिव लोग मिलते हैं। आप शुक्रगुजार होना चाहिए अगर उस तरह का नेगेटिव लोग मिलते हैं जो चुपचाप ये काम नहीं करेगा, मेरे लिए ठीक नहीं है बोल के चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरह नेगेटिव लोग होते हैं जो आपको 5 मिनट सुन के आपको 2 घंटे बिठा के बोलेंगे ये क्यों नहीं काम करेगा। मैं उस तरह का नेगेटिव बन जाता उस टाइम, ऑर्डिनरी नेगेटिव बंदा नहीं, सुपर नेगेटिव बन जाता। तो उस टाइम में जो एक ही इनकम आ रहा था डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर्स के वजह, इधर के लीडर के वजह, उन जिन्होंने ये मार्केट को कड़ा करके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके घर में सिर्फ ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे उनके वजह, उसको भी मैं डाउट करता था। ये जो इनकम आ रहा है मुझे डीएक्शन के बारे में कुछ पता नहीं, ये तो टिकेगा नहीं। मैं ये प्रूव करने के लिए पहली बार डॉक्टर और प्रोफेसर से ये ई वर्ल्ड क्या होता है, ओबीएस क्या होता है, इसका लॉगिन सब लेके मैं अंदर घुस के देखा तो मैं पता लगा कि बिहार में 2-3 साल पहले युवा लोग जो
डीएक्सएन शुरू किए थे वो मुझसे दो या तीन गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। ये देख के मुझे उस टाइम ही गर्व महसूस करना लगा डीएक्सएन की, क्योंकि यही एक एकमात्र कंपनी है जहां पे उनका मार्केटिंग प्लान सच्ची और धार्मिक और फैर है। इधर आपका पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो युवा है बिहार में जो मुझसे तीन गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं, वो मेरा पहला दूसरा तीसरा दसवां बीसवां पचासवां डाउनलाइन नहीं है, 100 से ज्यादा है जनरेशन मेरे और उनके बीच में, लेकिन वो मुझसे तीन गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। ये सच्चा मार्केटिंग प्लान का एक क्लियर एग्जाम्पल है। अगर ये स्कीम या स्कैम होता तो जो ऊपर वाला है ना, मैं हूं इस पोजीशन में, सारा पैसा मैं मुझको आता था। ये रीजन नंबर वन है, आपका मार्केटिंग प्लान जो है हमारा कंपनी का वो काम कर, अगर आप काम करेंगे तो आप कमाई भी ज्यादा करेंगे। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपका नेटवर्क बड़ा हो गया तब भी आपका कमाई मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं मिलेगा। काम और कमाई का क्लियर कनेक्शन है, वो सत्य का मार्केटिंग प्लान होता है। आज नहीं 10 साल के बाद भी आपसे ज्यादा आपका 100 से नीचे जो जेनरेशन है वो आपसे ज्यादा कमाई कर सकता है। इसका मतलब आप आज इस कंपनी को ज्वाइन करके शायद मेरा 200 या 300 जनरेशन होंगे, आपके और मेरे बीच में 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, आप फिर भी मेरे से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। ये रीजन नंबर वन है। पता है क्यों? जब कोई बंदा युवा जो 100 जनरेशन के बाद में आके ज्वाइन करके मुझसे तीन गुना ज्यादा कमाई कर रहा है तो क्या रुकेगा क्या? अगर वो नहीं रुकेगा तो मेरा पैसिव इनकम क्यों रुकेगा भाई? है कि नहीं? है कि नहीं? इसीलिए ये कारण नंबर एक है। तो कंपनी का मैनेजमेंट डॉक्टर लिम कंपनी को खड़ा किया था 30 साल पहले। उनका कंपनी का मोटो क्या है? हेल्थ वेल्थ एंड हेल्थ और वेल्थ समझ में आता है ना, प्रोडक्ट हेल्थ देता है, मार्केटिंग प्लान वेल्थ देता है। हैप्पीनेस का चीज कहां से आ गया बिजनेस में? क्योंकि हैप्पीनेस का चीज तभी आपको मिलता है जब आप दूसरों के सेवे में लगते हैं, सेवा में लगते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है सबको लेके जाना ही एक बड़ा सेवा है। इसीलिए ये हैप्पीनेस भी डॉक्टर लिम ने आज नहीं 30 साल पहले ही छोड़ दिया था। ये तो कोई एक्टर एक्ट्रेसेस किसी को आके लेके टीवी में ऐड करके यही प्रोडक्ट बिक सकता था ना, लेकिन हैप्पीनेस था, हैप्पीनेस सबको देने के लिए ही ये इस रूप में डॉक्टर लिम खड़ा किए हैं इस कंपनी को। नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा हम भेजेंगे, क्योंकि सबको ये अनुभव होना चाहिए कि दूसरों का मदद करना कैसा लगता है, उसी में सच्चा हैप्पीनेस है। ये इतना फॉरवर्ड थिंकिंग आदमी है और उनके मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया तो नवा कंट्री था खुलते टाइम, आज कितने देश में है डीएक्सएन? यूएन से ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारा देश जहां पे डीएक्सएन है वो यूएन में नहीं है। लोग को बोल दीजिए अगर वो बोलते हैं कि यूएन में इतना ही कंट्री है। हाँ, बहुत सारा आइलैंड्स है जहां पे डीएक्सएन है लेकिन वो यूएन में नहीं है। हर साल कदम पे आगे कदम रखे कंपनी चल रहा है, नया कंट्री खोल रहा है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, नया फैक्ट्री लॉन्च हो रहा है। और ये सब ऐसा नहीं है कि कल सोचा आज किया, ये तो 30 साल के सोच के कर रहे हैं हमारा मैनेजमेंट डॉक्टर लिम। ऐसा एक विशनरी फाउंडर, ऐसा एक मैनेजमेंट जो कंपनी में है उसका आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। कैश रिच कंपनी है,
कोई किसी के साथ डेट नहीं है, लोन नहीं लिया है, कर्जा नहीं है, स्ट्रांग कंपनी है ये कंपनी। तो आज नहीं 20 साल में ये कंपनी भी 200 साल से ज्यादा इधर टिकेगा। सिर्फ आपका नहीं, आपका पीढ़ियों का नहीं, आपका साथ पीढ़ियों तक ये तो इनकम आता रहेगा इस कंपनी, अगर आपने नेटवर्क बिल्ड किया तो। तीसरा, हमारा घर में ही तीन पीढ़ियों का हम एंजॉय कर रहे हैं लेगेसी, प्रोफेसर और डॉक्टर, मैं और रूपल जी और हमारा बच्चे। लेकिन मैं बोल रहा हूं तीन नहीं, सात से ज्यादा आपको पीढ़ियों को अगर जो इनकम डिएक्शन से आपने बिल्ड किए हैं वो आता रहेगा, क्योंकि एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं छोड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के जाके आ सकते हैं, यहां पे सात कुल भी माफ है हमारे लिए में ऐसा है, लेकिन कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को कभी नहीं छोड़ा है। कभी सुना है आपने कि आपका बोनस 30 साल में किसी देश में किसी व्यक्ति को नहीं मिला है, नहीं देर से मिला है? कभी हुआ है कि कंपनी ने हाथ खड़ा करके बोला है कि अभी इस महीना ना थोड़ा लेट में दे दूंगा? हुआ है नहीं, आपका एक्सपीरियंस में नहीं। मैं सिर्फ जिंदा रहने वालों का नहीं, जो मर चुके हैं उस तरह देश में जहां पे युद्ध चल रहा है, एमन, जहां वहां पे भी, जहां हमारा यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है दवाएं पहुंच नहीं सकते हैं युद्ध के कारण, दवाई नहीं जा रहा है, वहां पे भी हमारा कंपनी जुगाड़ करके पैसे बेचते हैं घर को, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर जिंदा नहीं है, क्योंकि उनका फैमिली का यही सोर्स ऑफ इनकम है। उस स्थिति में बाकी नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनीज छोड़िए, बाकी सारा कंपनीज जो बाहर से आए थे सब चले गए थे सिवाय डीएक्शन। ये कमिटमेंट है डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर का, और हमने देखा है कि रीजन नहीं दुनिया भर। और ये तीसरी कारण है जिसके वजह मैं बोल सकता हूं कि आपका पैसिव इनकम जो आप 20 साल बाद मिलने के लिए आज काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 20 साल नहीं 200 साल के बाद भी आपको मिलेगा, आपको सिर्फ आज उसके लिए काम करना है। तो मैं तो उस टाइम पे ये सब एनालाइज करके मोटा था, ऐसा था, अच्छा दिखता था, मतलब मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, हर वक्त मैं अच्छा दिखता था, और मैं मानता हूं कि हाँ सब लोग अच्छे दिखते हैं, ये बाहर वाले चेंज का कथा नहीं है ये, ठीक है? बाहर वाले तो जैसे भी हो, बाहर जैसे भी दिखते हो, आपके आंख में आपको अच्छा महसूस करना ही चाहिए, तभी आपका शुरुआत होता है अच्छाई के लिए। अगर आप अच्छा नहीं महसूस करते हैं तो वो अच्छा बात नहीं है, और मैं भी ऐसा ही था, कभी भी मैंने सोचा कि अभी भी देखता हूं कि ये बंदा अच्छा ही दिखता है अच्छा दिखता है मेरे लिए तो इस तक ऐसा, इससे ज्यादा भी मेरा वजन हो गया था, मैं हो गया था 101.5 kg। क्रिकेट में सेंचुरी कभी नहीं मारा था, लेकिन इस मामले में तो सेंचुरी बिल्कुल मार लिया। और डीएक्शन का पैसिव इनकम के बारे में मालूम है, मैंने रिसर्च कर लिया, उसके बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम था, और मुझे यकीन भी था कि या ये कंपनी जो है अच्छा कंपनी है, सच्चाई कंपनी है। क्या है होता है नया पहचान वाले अगर किस कुछ के बारे में बोलता है, कंपनी के बारे में बोलते हैं, प्लान के बारे में बोलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, तो उसका कीमत दिखाई नहीं देता, वो सबका होता है। और आप और मेरे लिए ये जो हमको दे दिए थे वो पहचान वाले माँ बाप निकले थे, और आपको पता है माँ बाप जब देते हैं उनका कीमत ज्यादा दिखाई नहीं देता है बच्चों को उस टाइम पे, जाते जाते महसूस करते हैं, जैसे मैंने महसूस किया कि कितना बड़ा कृपा और आशीर्वाद था, लेकिन उस टाइम में दिखाई नहीं दिया था।
ये सब रिसर्च करने के बाद मैंने कंपनी के बारे में और प्लान के बारे में मेरा विश्वास बढ़ गया था। तब किसी ने मुझे देखा है डीएक्सएन में कोई मंच पर बात करते हुए? नहीं, वो काफी नहीं था, क्योंकि पैसा तो आ रहा था, अच्छा कंपनी अच्छा है, लेगेसी है, पैसिव इनकम है, और ये तो आता रहेगा। वो मुझे खींच के नहीं लेकर आए हैं इधर। लेकिन जब मैं इतना ऐसा हुआ था, रूपल जी ने आके बोला कि हमको कुछ बदलाव लेकर आना है लाइफ में। बोला क्यों? बोला कि पिक्चर देखिए, अच्छा दिखता हूँ, अच्छा दिखता है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या बदलाव? रूपल जी ने बोला कि अच्छा दिखते हो, दिखते तो हो, लेकिन ऐसे 20 साल टिक पाएगा क्या? बेटी के शादी में रह पाएगा क्या? तो उन्होंने मुझको एक क्या बोलते हैं मोटिवेशन दिया कि तुम इंजीनियर हो, सबको तोड़फाड़ करते हो, सबको खोल के अंदर क्या है देखते हो, समझ लेते हो, पढ़ लेते हो। ये शरीर भी एक मशीन ही है, इसके बारे में क्यों ना पढ़ ले, इसके बारे में क्यों ना समझ ले, और क्या कर सकती हो क्यों ना देख ले। ये आइडिया मुझे आता अच्छा लगा। तो मैंने एक साल बहुत पढ़ा, बुक्स पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, बहुत साइंटिफिक मटेरियल पढ़ा, बहुत सारा साइंटिस्ट को फॉलो किया। ये नोबेल प्राइज मेडिसिन 2000 से हर साल किसने लिया है उसके बारे में पढ़ के, उसके रिसर्च के बारे में पढ़ा, बहुत जानकारी मिला, लेकिन वजन कुछ नहीं घटा। पढ़ने से वजन कुछ नहीं घटता है, मुझे पता नहीं था, पढ़ा। और ये भी प्रॉब्लम था कि ये बहुत सारा जो रिसर्च था, बहुत सारा रिसर्च, वो वापस गैनोडर्मा के पास आ जाता था। ये गैनोडर्मा ऑटोफेजी के लिए अच्छा है, ये गैनोडर्मा वेट लॉस के लिए अच्छा है। आप मुझे यकीन मत कीजिए, आपके पास आप सब एम्पावर्ड है, आप सब के पास मोबाइल है, गूगल ओपन करके गैनोडर्मा वेट लॉस डालिए और रिसर्च का पेपर देखिए भंडार। आप गैनोडर्मा ऑटोफेजी डालिए, गैनोडर्मा इम्यून सिस्टम डालिए, गैनोडर्मा ब्लड क्लॉट डालिए, जो भी चाहिए उससे पहले गैनोडर्मा डाल के आप देखिए, रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने गैनोडर्मा नहीं डाला था, मैंने जो भी चीज चाहिए था डाला था, लेकिन गैनोडर्मा साथ में आ रहा था। लेकिन मेरा ये माइंड ब्लॉक था, 20 साल से गैनोडर्मा दिया था, 20 साल से माँ कुछ दिन याद दिलाती थी कि बेटा ये आरजीजीएल ले लो, अच्छा ठीक है, उनको कुछ करने के लिए दो पैर लेता था। अभी 20 साल से कुछ यकीन नहीं किया था, अब ये सब पढ़ रहा था, तो क्या बोलते हैं, इनिशियली रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ। नहीं नहीं नहीं, अगर गैनोडर्मा इतना अच्छी चीज है तो बाकी सब भी अच्छी है। तो मार्केट से 50 से ज्यादा हेल्थ सप्लीमेंट्स मैंने लेना शुरू किया, 50 से ज्यादा, नेम भी कर सकता हूं, बट आपका टाइम व्यर्थ हो गया, इसलिए कुछ काम नहीं किया, गैनोडर्मा नहीं लिया। लेकिन बोलते हैं ना, एक गैनोडर्मा लेने के लिए ना आपका नसीब पे लिखना होगा। भी आप ले लीजिए, मेरा नसीब में लिख गया एक साल पढ़ने के बाद, या मेरा पुण्य का गड़ा भर गया कि अच्छा बेटा तू अब गैनोडर्मा ले सकते हैं। कि मुझे एक दिन एहसास हुआ, मेरा आखिरी गूगल सर्च था कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल में, उसमें एटीपी उत्पत्ति में कैसे बढ़ा सकता हूं। मैं उस तक पहुंच गया था, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री, मतलब सब पढ़ के, और उसमें रिसर्च है कि कॉर्डिसेप्स माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी उत्पत्ति ज्यादा कर सकता है। तब मेरा गला बड़ा था, तब मेरा नसीब को वापस लिखा हुआ था कि बेटा अब तू गैनोडर्मा ले सकते हैं, क्योंकि मैंने लैपटॉप बंद कर सोचना शुरू किया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं।
20 साल से ये मेरा हर कमरा में है लेकिन ले रहा नहीं हूँ, और एक साल से उसके बारे में रिपीटेडली पढ़ रहा हूँ, ले रहा नहीं हूँ। मेरा टेक्निक को बदलना होगा, अभी मैं का के देखता हूँ, और वो एक डिसीशन मेरा लाइफ को बदला लेकर आया। पांच पैर से शुरू किया था, पांच आरजी, पांच ईयर, पांच स्पिर लेना। 3 महीने में जो इफेक्ट मैंने देखा, अब ये जवान दिखता है या मैं जवान दिखता हूं? ये रूपल जी थे कोविड से पहले, उनका कथा वो बोल बोल शुरू करेंगे, लेकिन ये मैं एक साल बाद, फर्क दिख रहा है एक साल पहले और कौन जवान दिख रहा है, मैं और वो, क्योंकि तब तक मैं तो लगभग वो एक साल में पांच पैर, पहले 3 महीना जो शुरू किया था वो काम आने के बाद मैंने 5 को 10, अभी मेरा इंजीनियरिंग का बुद्धि है ना, मैं इस पे लगाने शुरू कर दिया। अरे 5 से इतना हो रहा है, अभी मैं 10 लू तो मैं क्या होगा, सो 10 से 15 तक आ गया था। लेकिन एक बात है, मैं बहुत दिमाग चला के दौड़ा के मैं ये रास्ता पकड़ के शुरू पैदल चलना शुरू किया था, ज्ञानोदर्मा लेने का रास्ता। लेकिन रूपे जी ना, मेरे से पहले ही वो रास्ता पकड़ के वो चलना शुरू किए थे, और सिर्फ इस मामले में नहीं, मेरे लाइफ में सारा मामले में मैं बैठ के बहुत टाइम दिमाग चला के मैं निर्णय लेता हूँ, हाँ ये रास्ता पकड़ के मैं जाऊंगा तो सही होगा, और रास्ता पकड़ के मैं गया और आगे देखा तो कौन है, रूपल जी है ऑलरेडी। और शायद आपके घर में भी जो होता है कि ना, हम दिमाग लगाते हैं, ये पैर लगाते हैं, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ही आगे होते हैं। लेकिन हमको ना, वही भी बोल रहा हूं, महिला का स्वभाव ऐसा है, वो हमको फिर भी वो महसूस करने देते हैं कि हम आगे थे। हाँ हाँ जी, आप तो ये मैंने इंक्रीज करना, अब देखिए अब 15 पैर्स ले रहा था अगस्त 20, और ज्ञानोदर्मा का अब लेने के बाद आप ही देखिए कथा, ये 30th एनिवर्सरी का था अक्टूबर 5। इसके बाद तो मैंने ऑलरेडी और बढ़ा लिया, जितना मैं आज हर दिन लेता हूं, अगर मैं बोलूंगा तो चौंक जाएंगे, 60 से 90 पैर आरजीजे, सिर्फ आरजीजे लेता हूं, आपको नहीं लेने को नहीं बोल रहा हूं, उसके लिए कैसे लेना है वो रूपल जी आके आपको बोलेंगे। मैं इस प्रोडक्ट के कारण आपके सामने हूं। डिक्सन का मार्केटिंग प्लान मैंने देखा था, डिक्सन का कंपनी के बारे में मैंने समझा था, उसका पैसिव इनकम का मुझे जानकारी था, लेकिन वो मुझे इधर खींच के नहीं लेकर आया है, ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे इधर लेकर आए हैं, क्योंकि ये बाहर का दिखता है इसीलिए मैं दिखाई दे रहा हूं, लेकिन जो अंदर का बात है ना, जो मैं एक नेगेटिव आदमी, धैर्य कम था, शांत कम था, उस तरह का चीज जो है वो अंदर से मेरा बदलाव यही प्रोडक्ट लेकर आए हैं। जो प्रोडक्ट मैं सोचता था कि अरे डॉक्टर को कुछ दिमाग घूम गया, वो मैं हॉस्पिटल को क्लोज करके ये चमत्कारी तेल जैसा कुछ बिकना शुरू किए हैं, ऐसा सोचता था, पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये काम कैसा करता है, मैंने महसूस किया, और साइंस भी है इसके पीछे, और जब मैंने ये महसूस किया कि ये जो अंदर से मेरा चेंज, बाहर से नहीं, बाहर से तो मैं हर वक्त
खूबसूरती था, कोई कंप्लेंट नहीं था, लेकिन अंदर से जो मैं एक्सपीरियंस किया था वो मेरा कर्तव्य और रूपक जी का कर्तव्य बन गया कि हम इसको इस दुनिया में सभी इंसान तक लेके जाना है। क्योंकि इंसानियत का जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो इंसान लेवल पे ही हम सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं। अगर सारा इंसान एक थोड़ा धैर्य ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा शांत हो गए, थोड़ा ज्यादा हेल्थी हो गए, थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हो गए, तो इंसानियत के लिए वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। एक पीसफुल बेटर वर्ल्ड हम एक्चुअली बिल्ड कर सकते हैं। ये मुझे इधर खींच कर आए हैं क्योंकि हमको तो पैसे का फिक्र नहीं है, डिग्री दे रहे हैं, प्रोफेसर और डॉक्टर का अप्लाई है हम, मतलब तो हमको पैसे का फिक्र नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट सबके हाथ पहुंचाने का, मैं सबके हाथ तक पहुंचाने का बोल रहा हूं क्योंकि उनको मुंह तक पहुंचाने का ऊपर वाला डिसाइड करता है। जब उनका नजीक खोलता है तब लोग मुंह तक पहुंचाएंगे। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ हाथ तक पहुंचाना है। अगर वो मुंह तक नहीं गया तो हम क्या करेंगे? प्यार से इंतजार करेंगे, जैसे डॉक्टर और प्रोफेसर 20 साल किए थे उनको बेटे को लेने के लिए, है कि नहीं है? प्यार से उनके लिए इंतजार करके नेक्स्ट आदमी को जाते हैं, वो तो आएगा, सब आएंगे, सब गैनोडर्मा के लिए आएंगे, लिख के ले लीजिए। इतना रिसर्च इस पे हो रहा है, 20 साल बाद सबके घर में गैनोडर्मा होगा। ये डीएसएन गैनोडर्मा होगा या किसी और का गैनोडर्मा होगा या कोई फार्मा कंपनी उनसे एक्टिव कंपाउंड लेके कोई और टैबलेट बनाता है, वो हमारा हाथ में है। क्योंकि आज और अगले 5 साल तक गैनोडर्मा मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन ही नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ मार्केटिंग प्लान, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी और मार्केटिंग मैनेजमेंट का विजन, वो सब सिर्फ नहीं है, आपके पास एक खुला मार्केट बिना कंपटीशन का है। समझ सकते हैं? बिना कंपटीशन का। और हम क्या कर रहे हैं? हम गैनोडर्मा को कैसे बेच रहे हैं? आप बोलिए, क्योंकि मैं तो गैनोडर्मा अभी तो बेचना शुरू किया हूं, अभी ट्रिपल डायमंड से एक्सक्लूसिव ट्रिपल डायमंड हुआ हूं। आप सब लोग मार्केट को क्या लेके जा रहे हैं? गैनोडर, जब आप जाते हैं गैनोडर्मा स्प्रिंडा लेके जा रहे हैं, कॉफी में है, क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? क्या बोल रहे हैं? कुछ तो बोलना है ना, नहीं तो कैसे दिखता है? क्या बोलते हैं आप? हेल्थ अच्छा है, हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है बोलते हैं? कितने लोग को सुनाई देता है? सच्चे बोलिए, कितने लोग को सुनाई देता है जब आप बोलते हैं हेल्थ इम्यूनिटी, आपको ये रोग नहीं आएगा, वो रोग नहीं आएगा? सुनाई नहीं देता है। क्योंकि ना, अगर हेल्थ के बारे में फिक्र करने वाले लोग हैं हमारा दुनिया में, तो सॉफ्ट ड्रिंक का कंपनी कभी खत्म होता है। सबको पता है, इस दुनिया में किसी को पता नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सबको पता है, लेकिन साल भर साल उसका सेल्स बढ़ रहा है। सबको पता है कि फास्ट फूड अच्छा नहीं है, लेकिन उसका सेल्स बढ़ रहा है। सबको पता है कि सुपरमार्केट में चिप्स, ये प्रोसेस फूड, वो सब जो मिलता है वो अच्छा नहीं है। किसी इस दुनिया में एक भी व्यक्ति है जो मानता है कि वो हेल्दी है? आप बोलिए। सबको पता है, आपका यूट्यूब शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम में आएगा मैसेज कि इस सॉफ्ट ड्रिंक में 30 ग्राम शक्कर है, ये हानिकारक है। और हमको क्या लगता है? अरे बाप रे, मुझे तो वो पीने जैसा लग रहा है कि नहीं?
इस तरह दुनिया में जी रहे हैं जहां पे अनहेल्थी चॉइसेस, अनहेल्थी डिसीजंस फैशनेबल है। फैशन है ना वो सर, सॉफ्ट ड्रिंक क्यों पीते हैं फैशन है, फास्ट फूड क्यों खाते हैं फैशन है, प्रोसेस फूड, तंबाकू, सिगरेट ड्रिंक सब क्यों लेते हैं फैशन है। जब फैशन और कल्चर डिसाइड करता है कि ये अनहेल्दी जो है ये बिकता है, हम कौन होते हैं जाके बोलने वाले कि हेल्थ पे आ जाओ, कौन सुनेगा, ज्यादा लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन वही कल्चर वही दुनिया फिटनेस फैशन है, वही सही वही होना फैशन है, जवान दिखना फैशन है। अगर ये तीन चीज आपके पास है तो आप पहली इंप्रेशन किसी के साथ भी और बढ़िया इंप्रेशन बना सकते हैं, है कि नहीं। तो फैशन है और हमारा प्रोडक्ट उसके लिए भी काम करता है, हमारा प्रोडक्ट उसके लिए भी काम करता है। yes. तो हम क्यों ना मार्केट को उस रूप में लेके जाएं? हम क्यों हेल्थ रोग इम्यूनिटी के बारे में बात करें, उसके लिए अच्छा काम करता है, बढ़िया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसके लिए पैसे, उसके लिए आप बोलेंगे तो वो पूछेगा ये रिसर्च रिपोर्ट है, ये एफडीए अप्रूव है, ये डॉक्टर क्या कहता है, मेरे डॉक्टर के पास में जाके बात करके आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जाके बोलेंगे ये 10 केजी आपको घटाने के लिए आप विष भी देंगे, पॉइजन, विष भी देंगे ना, जहर भी देंगे ना, वो किसी कुछ नहीं पूछते आपको, ये भी अप्रूव्ड है नहीं, डॉक्टर से भी कुछ नहीं पूछते हैं, क्यों, उसको वो चाहिए। और हमारा प्रोडक्ट जब उसके लिए काम करता है, हमने देखे हैं कि हमारा डीपी जब हम बदलते हैं ना, या कुछ नया स्टेटस ऐड करते हैं ना, 20 साल पुराना कोई दोस्त हमें व्हाट्सएप करता है, ये पिक्चर कब लिया था, ये ड्रेस तो मैंने कॉलेज में देखा नहीं था, मैं बोलता हूं कि ये कल का था, इमीडिएटली वीडियो कॉल करते हैं देखने के लिए, ए, क्या हुआ, बोल कि गैंडरमा है ना जो माता और पिता बेच रहे थे जब हम कॉलेज में थे, उसको लेना शुरू किया, अच्छा मुझे भी दो बॉटल बेच दो। यही साला कॉलेज में तेरे माँ और पिता को कुछ हो गया, फ्रेंड्स के बाद तो हम ओपनली बात करते हैं ना, ऐसा बोलता था, अब कुछ नहीं, हेल्थ के बारे में नहीं, उसको मुझ जैसा बनना दिखता है। तो हमारा काम ये है कि हमको गैनोडर्मा को एक नया रूप धारण करके मार्केट में लेके जाना है, और वो रूप है वेट मैनेजमेंट। 8 लाख करोड़ का मार्केट है, खुला हुआ मार्केट, देश भर नहीं दुनिया भर 8 लाख करोड़, उसमें 10 रुपए का भी गैनोडर्मा हमारा कंपनी का नहीं है, तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप देख लीजिए। वो कैसे करना है, वो क्या करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, हम उसके लिए ऐप रेडी कर रहे हैं, वो सब हम तैयार कर रहे हैं आपका हाथ एम्पावर स्ट्रेंथन करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये वेट मैनेजमेंट कैसे करे, रिएक्शन प्रोडक्ट से क्यों करे, कैसे काम करता है, और आपको लीडर है, आप कितने लोग 5000 पीवी कर रहे हैं, जो भी 5000 पीवी कर रहे हैं आप रूपल जी एक्सप्लेन करेंगे वेट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल ले लीजिए, और जो भी लोग नहीं कर रहे हैं आज इस मीटिंग के बाद आपको उनका उसका बेनिफिट दिखाई देगा, सिर्फ 5000 पीवी करने में नहीं, वो प्रोडक्ट सही इस्तेमाल करने से आप में फर्क आएगा, क्योंकि आप सबको हमारे जैसा टेस्टिमोनी बनना है।
आपका कहानी खड़ा करना है 3 महीने में। अगर आप आपका कहानी खड़ा करेंगे, किसी को बेचने का आपको चलना नहीं है, वो लोग आएंगे। आएंगे कि नहीं? आपके जान पहचान लोग आएंगे कि नहीं? और एक कस्टमर पेट मैनेजमेंट के लिए लगभग 50,000 रुपीज का सेल्स 3 महीने में आपको मिलेगा, एक कस्टमर। तो आप हिसाब चुका करके देखिए, आपको 5,000 पीवी वेट मैनेज करके वेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल खुद करने से फायदा है कि नहीं, पर्सनली और बिजनेस से भी। मैं बोल रहा हूं कि है, और हमने देखा है। आज का मीटिंग हम 1 घंटे में निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो कस्टमर पुराना रिलेशन जो है वो हमारा कस्टमर बन गया वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट के लिए, तो उनको प्रोडक्ट जाके देने का काम है। हमारा ही खुद का सेल्स, हम किसी को भेजा नहीं, हमारा डीपी लेके देके उन्होंने लेना शुरू करने का तैयारी किया है। आपको आपका कहानी खड़ा करना होगा इस सेशन के बाद। कैसे करना है वो रूप जी बोलेंगे। वो 3 महीने में आप कीजिए, 4वां महीना आपके पास हाथ में ऐप होगा। सब मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग व्हाट्सएप? अगर आप मोबाइल और व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं वो काफी है। हमारा ऐप जब हम लॉन्च करेंगे आपके लिए, जब तक आपका कहानी भी तैयार है तो वो काफी है आपको क्राउन एम्बेसडर तक जाने का। वो उसका व्यवस्था हम कर रहे हैं। आपको आपका देखभाल करना है, आपको आपका कहानी बनाना है, ये बोलने के लिए हम आए हैं। आप आने के बाद बोलना लेट हो जाएगा। आपका काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। आप करेंगे कि नहीं? 5,000 पीवी वेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और 10 केजी का बिफोर आफ्टर फोटो दिखाए देंगे कि नहीं? देखिए कम हो गया, यस। क्यों, दिक्कत क्या है? आप सब तो खूबसूरत दिखते ही है। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपका वजन थोड़ा कम होगा तो आपका ऊर्जा अंदर से ज्यादा होगा, और ऊर्जा को आप सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब जवान थे एक दिन, है कि नहीं? उस टाइम पे किसी को बोलना पड़ता था कि आपको उड़ के आप पैदल जाओ, ये एक्सरसाइज करो, बोलना पड़ता था कि एक जगह में बैठे रहो, है कि नहीं? है कि नहीं? जब हम जवान होते हैं बोलते हैं कि एक जगह में बैठे रहो। आजकल तो उल्टा हो गया है कि खड़े रहो बोलना बहुत बड़ा काम होता है। वो भी इस प्रोटोकॉल से फिक्स हो गया, सिर्फ वजन नहीं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 5,000 पीवी वेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल लेके आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन आप करके दिखाएंगे कि नहीं 3 महीने में? yes. दिखाएंगे कि नहीं? yes. बढ़िया, गो क्राउड, थैंक यू।